नरसिंहपुर की केंद्रीय जेल में इन दिनों एक मधुर सी आवाज गूंज रही है, ये जेलवाणी है। अब आप सुनिए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। दरअसल जेलवाणी सेंट्रल जेल का एक रेडियो है जिसके आरजे और प्रोड्यूसर भी कैदी है और गीतों की फरमाइश करने वाले भी कैदी। कैदियों को उनके मनपसंद गीत, चुटकुले और धार्मिक कहानियां प्रोग्रामों के जरिए सुनाई जाती है। उतना ही नहीं, इस जेलवाणी के जरिए कानूनी सलाह भी कैदियों के बैरक तक पहुंचाई जाती है। जेलवाणी संचालक केंद्र कैदी बताते हैं कि प्रत्येक कैदी के बैरक से एक कागज पर उनकी फरमाइश मंगाई जाती है। फरमाइश का गीत संगीत उन्हें सुनाया जाता है। जेलवाणी बिल्कुल एफएम रेडियो की तरह काम करती है। कैदियों के मन को प्रसन्न करने के साथ साथ उनके भटके हुए मन को सही दिशा देने के लिए यह जेलवाणी रामबाण सिद्ध हो रही है। वैसे तो ये जेल अपने आप में कई विशेषताओं को समेटे हुए हैं। कभी कैदी यहाँ गोबर से बने इको फ्रेंडली दीपक बनाते हैं तो कहीं करोड़ों की संख्या में राम राम लिखते हैं। अब जेल में जेलवाणी कार्यक्रम कैदियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखिए, सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है और जेल पर जब आदमी आता है तो निश्चित रूप से वो बहुत ज्यादा तनाव में होता है। और हमारा ऐसा मानना है कि सिर्फ धर्म और परिवार का प्यार, ये दो चीजें इतनी महत्वपूर्ण है कि आदमी को संकट के समय भी मानसिक संबल देती है। चूंकि हमारे सामने एक प्रस्ताव आया, श्री सीबी नेमा जी जो यहाँ के एक बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कुछ किताबें दी कि जो भी बुजुर्ग बंदी है उनको आप लिखने के लिए दीजिए। तो हमने सोचा कि सिर्फ बुजुर्ग बंदी ही क्यों, युवा बंदी, महिला बंदनी, जो भी व्यक्ति राम नाम लिखना चाहता है अपनी कॉपियों में वो लिखे। और धीरे धीरे करके ये सिलसिला पिछले 3 साल से चल रहा है। मुझे बताते हुए बड़ी ही प्रसन्नता है कि हमारी जेल पर बहुत से ऐसे कैदी हैं जो स्वेच्छा से कॉपियां मांगते हैं, लिखते हैं। यदि उनको तनाव होता है तो वो खुद से राम नाम लिखते हैं। बहुत से कैदी जो छूट जाते हैं वो अपनी कॉपी दूसरे बंदियों को दे जाते हैं।